हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेवंथ क्लास मैथ्स ऑनलाइन क्लास। ट्यूटोरियल विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। ए स्क्वायर प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड है कैसा है हमारा, किस शेप में, स्क्वायर की शेप में, इज 40 to 3/4 मीटर लॉन्ग, इतने मीटर लंबा है, फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना। देखो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी फोर साइड इक्वल होती है, ए ए ए ए, ठीक है, ए से हमने साइड को नाम दिया। एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, इस साइड को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे या इसको इससे किसी से, क्योंकि सभी सेम है, ठीक है, सभी साइड सेम होती है, इसलिए साइड मल्टीप्लाई साइड, ए मल्टीप्लाई ए हो गया हमारा, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। अब साइड इसने लेंथ दी है, कोई बात नहीं, लॉन्ग दिया नहीं, लॉन्ग मतलब लेंथ, तो लेंथ भी थी इसमें सब सेम होती है, क्योंकि इसने नाम भी दिया नहीं स्क्वायर, इसलिए साइड लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड क्या है, ए है हमारी, तो वो क्या दी हुई है, 40 to 3/4, इसको हम क्या लिखेंगे, 4 × 40 + 3 हो गया हमारा 163/4। ओके, पहले पहले मैंने कितने क्वेश्चन कराए सभी, मतलब ये सोल्व करना सिखा रखा अच्छे से, ठीक है, इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से करा, अब इंट्रोडक्शन देख लगा नहीं समझ आता, 163/4। अब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड, जो प्लेग्राउंड स्क्वायर जैसा, उसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारी आएगी 163/4 × 163/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ज्यादा बड़ी टर्म है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है, इसे जो बटे है हमारे, तो 4 × 4 ये तो हो जाएगा, वो नहीं होएगा, उसको हम कैसे करेंगे, 163 का स्क्वायर है ये, ठीक है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये इसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, और इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 163 को हम सोल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 160 + 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वन और ए प्लस बी इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये अच्छे से याद करना आप, एक ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है, ए प्लस बी इसका स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, अब इसकी हेल्प से हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू प्लस 2 ए हो गया हमारा 160 × 3/16, ठीक है, अब इसको, अब इसका स्क्वायर करना देखो आसान है, 160 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 0 का स्क्वायर होता है 00, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 960/16, अब इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा हमारा 26569/16, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये, ठीक है, अब ये हो गया हमारा जो यहाँ पे भागफल आया, इसको तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और जो 9 हमारा रिमाइंडर बचा ये ऊपर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल यूज करके 16 किलोमीटर चलती है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी अगर यूजिंग 2 to 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, अगर इतना पेट्रोल यूज किया जाए, 1 लीटर में इतनी चलती है तो इतने में कितनी चलेगी, और 2 to 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 + 3/4, ठीक है, इसको करेंगे तो 11/4 आ गया, 1 लीटर पेट्रोल यूज करके कार रन करती है 16 किलोमीटर, और 11/4 लीटर यूज करके कितनी चलेगी, 60 × 11/4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से 4 4 जा 16, तो 44 किलोमीटर, ये हो गया आंसर।